ये तो कहते लेट्स कल, मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर, मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूं। आप लोग अब मुझे एक बात बताओ, जो भी बेस बिल्डर होता है, जो बेस बनाता है, वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी उसको लेके बेस बनाता है? वो सबसे पहले तो बनाएगा ब्लिज़र्ड लावल, उनको डिफेंड करने वाला बेस, कोई भी ड्रैगन स्पैम आर्मी को डिफेंड करने वाला बेस, क्वीन चार्ज को डिफेंड करने वाला बेस। तो ऐसी कुछ लिमिटेड स्ट्रेटजीज है जिनको दिमाग में रख के एक बेस बिल्डर बेस बनाता है। लेकिन तब क्या होगा जब हम लोग एक ऐसी आर्मी लेके अटैक के लिए घुस जाएंगे जिसके बारे में वो बंदा सपने में भी नहीं सोच सकता। एक टाइम हुआ करता था जब टाउन हॉल 13 पे मैं सिर्फ और सिर्फ सुपर आर्चर के साथ ही ज्यादातर अटैक्स करता था, और जब टाउन हॉल 14 आया तो मुझे लगा कि उतने ज्यादा पावरफुल काम नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू टाउन हॉल 13। बट आई वॉज रॉन्ग, जो बंदा टाउन हॉल 13 पे कर सकता है अटैक सुपर आर्चर के साथ, वो बंदा क्यों नहीं कर सकता टाउन हॉल 14 पे। तो भाई साहब, आज मैं आप लोग बताऊंगा कि सामने वाले के बेस को कोमा में कैसे लेके जाना है। तो चलेंगे डायरेक्ट गेम के अंदर। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई साहब, क्योंकि 1.6 मिलियन 16 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, सिर्फ 45,000 चाहिए। आप लोग करोगे तभी तो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ पाएंगे। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को वॉर के अंदर अटैक करके दिखाऊंगा, उसके बाद नॉन स्टॉप सारे के सारे बेसेस फोड़ेंगे। फिलहाल ये चल रही है हमारी वॉर और हम लोग अटैक करने वाले यहाँ पे नंबर 1 के बेस के ऊपर। ओके गाइस, ये वाला बेस लेआउट देख रहे हो, ठीक है, मतलब मैक्सड आउट तो है इसका बेस लेआउट, पर ठीक है, ये सुपर आर्चर के लिए, ठीक है। तो हमारी आर्मी देख लो गाइस, यहाँ पे कौन सी है, 12 सुपर आर्चर्स हम लोग लेके जाने वाले हैं, और टोटल 5 बैट स्पेल्स, 4 फ्रीज स्पेल्स और 2 रेड स्पेल्स, ठीक है। मैं दिल ठोक के बोल सकता हूँ कि भाई साहब ये हमारी आर्मी कोई यूज नहीं करता होगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों को बुड्ढे के साथ यहाँ पे फनल बना लेना है, उसके बाद सुपर आर्चर से यहाँ पे फनल बनाएंगे। ये है गाइस असली सुपर आर्चर की पावर, देख रहे हो 12 हाउसिंग स्पेस, बहुत ओपी है गाइस, बहुत ओपी। अगर सुपर सेल इसको 15 हाउसिंग स्पेस भी कर देना तब भी पावरफुल है गाइस सुपर आर्चर। यहाँ पे एक बलून, एक बेबी ड्रैगन, ओके, बस बुड्ढे के साथ ना यहाँ से हम लोग फनल बना लेना है। चलो भाई, ओके, टेस्ला टेक डाउन हो जाएगा यहाँ से, और हमारे बुड्ढे ने ठीक ठाक फनल बना ही लिया है वैसे देखा जाए तो। चलो भाई, किंग आएगा, गोलम, एक वॉल ब्रेकर टेस्टिंग के लिए, बहुत सारे वॉल ब्रेकर्स, क्वीन, बलून, सारे के सारे सुपर आर्चर्स आएंगे, और हमारा लॉग लॉन्चर आएगा। लॉग लॉन्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना लॉग लॉन्चर के आप लोग इस आर्मी के साथ अटैक नहीं कर पाओगे। अर्ली एबिलिटी इसलिए क्योंकि सुपर आर्चर्स हमारी हार्म ना हो, डैमेज ना हो उनके ऊपर ज्यादा। ओके चलो भाई, टाउन हॉल तक का रास्ता साफ कर दिया है हमारे लॉग लॉन्चर ने यहाँ पे। कम ऑन इलार, जल्दी जल्दी हील करो। ओके चलो भाई, ठीक है, ओके, सेंटर मल्टी मिल गया हम लोगों को। लॉग लॉन्चर के अंदर से स्निकी गॉप्स आ चुके हैं, एंड स्निकी गॉप्स और यटीज ने टेक डाउन कर लिया यहाँ पे टाउन हॉल को। आरसी पीछे से आएगी जिससे कि हम लोग आरसी के साथ यहाँ से खूब सारी वैल्यू मिल जाए, और बैटिंग इधर से करेंगे हम लोग। ओके मिनियन डालेंगे क्लीन अप के लिए। चलो भाई ठीक है, अभी भी 3 फ्रीज स्पेल्स बच चुके हैं गाइस हमारे पास। अबे यार पागल, बैट्स यार, आधे बैट्स इधर आधे बैट्स उधर, ये क्या चल क्या रहा है गाइस? भाई साहब आरसी एबिलिटी बची, होल्ड करके रखेंगे, जब तक आरसी एबिलिटी है तब तक ये अटैक फेल नहीं हो सकता भाई साहब। हालांकि यहाँ पे एनिमी की क्वीन और एनिमी की आरसी फुल हेल्थ के साथ बच चुके हैं, और हमारे पास 2 ही फ्रीज स्पेल्स बच चुके हैं, और सारे की सारी हीलर्स पागल की बच्ची, देखो किसको हील कर रही है, सुपर आर्चर को। चलो भाई वॉल, ये क्या से क्या हो गया गाइस, वॉल ब्रेकर सारे के सारे उड़ गए एक स्प्रिंग ट्रैप से। चलो भाई चलो 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 चलो, क्वीन आजा 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 आजा, ये क्वीन के ऊपर एक फ्रीज स्पेल, अरे बाप रे हीलर्स टारगेट हो रही है हमारी, रॉयल चैंपियन हीलर्स को मार रही है, अरे बाप रे, टाइम बहुत ही कम है, पर हम लोग यहाँ पे एबिलिटी बचा के रखेंगे हमारे रॉयल चैंपियन की लास्ट तक, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। मतलब शील्ड फेंक के मारेंगे ना, वो फेंक के मारेंगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा यहाँ पे। ओके चलो 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 चलो, अभी मारेंगे एबिलिटी, क्योंकि 4 बिल्डिंग्स बच चुकी थी ना लास्ट में, तो ये हो गया गाइस हमारा 3-स्टार अटैक सुपर आर्चर्स के साथ। तो भाई ये तो हमारा पहला वॉर अटैक हो गया, अभी नॉन स्टॉप धप्पा धप अटैक्स करेंगे हम लोग। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओके भाई साहब, तो अभी हम लोग चलेंगे हमारे लेजेंड लीग में हिट करने के लिए। लो भाई साहब, ये क्या ही बेस मिला है हम लोगों को, और हम लोगों ने यहाँ पे हमारा सुपर वॉल ब्रेकर भी अनलॉक कर लिया, क्योंकि नॉर्मल वॉल ब्रेकर्स के साथ बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी हम लोगों को।
ओके स्टार्टिंग में यहाँ पे भी सेम चीज है गाइज, यहाँ पे भी हम लोगों को बुड्ढे के साथ फनल बना लेना है। यहाँ पे दो बलून्स डाल देंगे जिससे कि यहाँ पे बलून फनल बना लेगा और ये आर्चर टावर टेक डाउन कर पाएगा। कम ऑन हट यार, एक और बलून डालना पड़ा हमको, तीनों की तीनों बलून इधर ही खत्म हो गए गाइज। और ये हमारा उल्लू है ना, उल्लू ये बहुत ओपी काम करेगा क्योंकि सीकिंग एयर माइन को ट्रिगर करने का ये काम करेगा। यहाँ पे एक और सुपर वॉल ब्रेकर जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों साइड के आर्चर टावर फूट चुके हैं। ठीक है, ये भी टावर फूटने दो। जेब बात गोलम आएगा, किंग आएगा, क्वीन, लॉग लॉन्चर और पीछे से आएंगे सारे के सारे हमारे सुपर आर्चर्स। ओके ठीक है भाई साहब, पहली रेज आएगी यहाँ पे। ओके चलो भाई, ज़्यादा ही डैमेज हो रहा है यहाँ पे तो। गुड्डे की एबिलिटी, किंग की एबिलिटी, चलो भाई टाउन हॉल तक का रास्ता बन चुका है। यहाँ पे आइस हाउंड आ चुका है भाई साहब, क्या बात है। आरसी पीछे से बैकअप के लिए जिससे कि हम लोग आरसी के साथ ये स्कैटर टेक डाउन कर सके। स्कैटर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हार्म कर रहा है हमारी सुपर आर्चर्स को। वो तो भला हो सुपर सेल का जिन्होंने आर्चर का लेवल 10 कर दिया, तो एडवांटेज है सुपर आर्चर अटैक करने में टाउन 14 पे। अगर लेवल 9 की आर्चर रहती तो सीन हो जाता यहाँ पे। ओके होपफुली हमारी क्वीन यहाँ से टाउन हॉल निकाल ले। कम ऑन, ये बात आरसी ने भी ठीक ठाक वैल्यू निकाल ली अपनी एबिलिटी के अंदर। अभी भी 5 बैट्स बच चुके हैं हमारे पास। क्वीन की एबिलिटी जाएगी, सारे के सारे बैट्स आएंगे ऊपर से, विजेट्स आएंगे यहाँ पे, मिनियंस आएंगे क्लीन अप के लिए। ओके पॉइजन बच चुका है तो पॉइजन डाल देंगे यहाँ पे। 3 फ्रीज अभी भी है हमारे पास। ओके यहाँ पे एक फ्रीज आएगा और यहाँ पे वापस एक फ्रीज, मिनियंस वगैरह आएंगे, वापस आखिरी वाली एक फ्रीज। एंड गाइज लो भाई कर लो बात, ये हो गया गाइज हमारा सुपर आर्चर के साथ अटैक। अभी तो भाई साहब ये तो ट्रेलर है, अभी तो हम लोग बहुत सारे अटैक्स करने हैं आज के लेजेंड लीग के। तो भाई साहब इस आर्मी के साथ फिलहाल तो मैंने 2-3 दिन प्रैक्टिस किया, उसके बाद जब हाथ में बैठी तब वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि यार देखो ना, लगभग 7-8 महीने हो गए ये आर्मी यूज करके। मैं टाउन हॉल 13 पे यूज किया था लास्ट टाइम, उसके बाद ज़्यादा यूज करा ही नहीं है। अभी अभी इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगा हूँ। तो लो भाई ये तो हो गया हमारा यहाँ पे 3-स्टार अटैक, लो भाई हो गया। अभी तो भाई साहब ये आर्मी हमारे हाथ में अच्छे से बैठी भी नहीं है, तो चलेंगे एक और अटैक के लिए। ओके गाइस चलेंगे अभी हम लोग एक और अटैक के लिए, देखते हैं भाई साहब इस बार। ओ ओ ओ ओ चाइना चीना, इनको कैसे छोड़ेंगे भाई साहब। वैसे तो इनका सब कुछ छोटा होता, मतलब बेस लेआउट भी इनका बहुत छोटा है। ओके तो एक काम करेंगे, स्टार्टिंग में बुड्ढे के साथ यहाँ से फनल बनाएंगे, दो बलून्स और एक बेबी ड्रैगन डालेंगे यहाँ पे जिससे कि इस साइड पे फनल बन जाए। चल भाई होपफुली बुड्ढा जल्दी जल्दी क्लीन अप कर ले यहाँ से और फनल बना ले। और हमारा सुपर वॉल ब्रेकर आएगा पहली वॉल की लेयर फोड़ने के लिए। चलो भाई ठीक ठाक वॉल फोड़ी है इसने, बस इसी कंपार्टमेंट से हम लोगों को अंदर घुसना है, अंधा घुसना है अंधा। ठीक है छोटा सा फनल, ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, बस हिम्मत चाहिए भाई। ठीक है ओके अभी आएंगे पीछे से सारे के सारे हमारे सुपर आर्चर्स। ओके एक हेड एंटर भी डाल देंगे। ओके इधर एक रेस डाल देंगे क्योंकि डैमेज ज्यादा है ना यहाँ पे। ओ भाई साहब जायंट बम भी, जायंट बम रखे थे भाई बंदे ने, सही टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे बुड्ढे की एबिलिटी दे दी, वरना तो सीन ही हो जाता गाइस यहाँ पे। सारी सुपर आर्चर में देखते रहता बेस पे किधर गई करके, लेकिन ठीक है सही टाइम पे एबिलिटी दे दी हम लोगों ने। ओके चलो भाई वापिस एक रेज आने दो। रही बात टाउन हॉल की, तो यार वॉल की लेयर फूटी नहीं है यार यहाँ पे, मेरे को लगा वॉल की लेयर फूट जाएगी, पर कोई ना रॉयल चैंपियन आएगी ऊपर से हमारी क्योंकि मल्टी इन्फिर्नो है। सिंगल इन्फिर्नो को हम लोगों ने मार दिया फुल इग्नोर। क्वीन की एबिलिटी बच चुकी है, आरसी एबिलिटी है, तो फुल इधर से हम लोग टाउन हॉल निकाल सके। टाउन हॉल अगर निकल गया ना भाई बेस के अंदर कुछ है ही नहीं गाइस, फिर आरसी तो ऊपर से क्लीन अप करते हुए आ रही है, बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। चलो भाई आरसी एबिलिटी, ये बात अरे सुपर आर्चर्स टारगेट कर रही है भाई टाउन हॉल को, एक और फ्रीज। लो भाई गया इनका टाउन हॉल यहाँ पे। एक काम करेंगे सारे के सारे बैट्स डालेंगे यहाँ पे, एक फ्रीज, मिनियन आएंगे क्लीन अप के लिए, वापिस एक फ्रीज,
लो भाई हाँ विजिट और फूट गया और कोई भी एक स्प्लैश डैमेज देने वाला डिफेंस बचा नहीं है एंड खत्म है गाइस ये वाला बेस। लो भाई ये हो गया इस बेस का सत्यानाश। तो भाई ये हो गया हमारा 3-star अटैक इस बेस के ऊपर अगेन एक और सारी की सारी हमारी जो हीलर से सारी की सारी जिंदा है गाइस 5 की 5 हमारी हीलर जिंदा है। क्वीन हमारी जिंदा है, बुड्ढा हमारा जिंदा है, बहुत सारे हमारे बैट्स बच चुके हैं, 2 सुपर आर्चर्स बच चुके हैं हमारी और ये हो गया गाइस हमारा 3-star अटैक। अभी तो रुको थोड़ा, अभी तो और अटैक्स करने हैं भाई हम लोगों को। ओह गाइस चलेंगे अभी हम लोग हमारे एक और अटैक के लिए, लेट्स सी गाइस इस बार कैसे टाइप का हम लोगों को बेस मिलता है। हाँ ये ऐसे टाइप के बेस ना थोड़े चैलेंजिंग बेस होते हैं क्योंकि टाउन हॉल देखो ना एक कॉर्नर में, पीछे से अटैक तो यहाँ पे पॉसिबल होगा नहीं गाइस सुपर आर्चर के साथ क्योंकि यार हमारा ब्लिंप वहां तक पहुंच, अपना ब्लिंप बोल रहा हूँ, ये लॉग लॉन्चर वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, करना तो भाई साहब सामने से ही पड़ेगा। देखो टाउन हॉल चाहिए नहीं तो 1-star होता है क्योंकि मैंने बहुत बार अटैक किया हुआ है, पिछले 2-3 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं इस आर्मी के साथ और मेरे को पता है ऐसे बेसिस पे 1-star होते करके इस आर्मी के साथ। तो भाई ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे मस्ती नहीं करनी है, चुपचाप सामने से चलेंगे, पहले तो सेफ 2-star करेंगे उसके बाद 3-star का सोचेंगे ठीक है। फिलहाल मेरे को तो नहीं लग रहा इस बेस को हम लोग 3-star कर पाएंगे क्योंकि ऐसा टाइप का ये बेस निकल चुका है ना कॉर्नर टाउन हॉल, क्योंकि ज्यादातर मैं सुपर आर्चर के साथ पीछे से करता हूँ, पीछे से करने में मजा आता है, फुल सेफ रहता है, सामने से थोड़ा रिस्की हो जाता है, प्रॉब्लम हो सकती है सामने से घुसाएंगे तो। अभी फिलहाल बेस लेआउट ही हम लोगों को ऐसा मिल चुका है कि सामने से गुजारा पड़ेगा पूरी की पूरी हमारी जो आर्मी है। ओके एक रेत पे लान दो यार वार्डन के ऊपर क्योंकि डैमेज ज्यादा हो रहा है, ठीक है यार मतलब फनल बनाने तो बुड्ढे को कोई दिक्कत है नहीं गाइस, बनाने दो इसको फनल, एक रेज हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया बुड्ढे के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बुड्ढे कम ऑन दिखा दे अपनी पावर। अरे यार रेज खत्म हो गया हमारा, इसको फोड़ने में टाइम लेगा बहुत सारा, कोई ना चलो हम लोग तुरंत अटैक चालू कर देंगे, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे यहाँ पे, हेड हंटर खाएगा और लॉग लॉन्चर सामने से ही आएगा लॉग लॉन्चर, ठीक है। वॉल ब्रेकर भी हम लोगों ने एक डाल दिया, रिच पे लान दो यहाँ पे। ओके बुढ़ो की एबिलिटी दे दी ठीक ठाक टाइम पे, पॉइजन पे लाएगा सीसी के ऊपर, चलो भाई ठीक ठाक वैल्यू तो मिल गई है हम लोगों को, बस अभी पीछे का हम लोगों को देखना पड़ेगा सीन क्या होता है, थोड़ा वेट करेंगे, रॉयल चैंपियन अभी नहीं डालेंगे, क्वीन अंदर जाएगी क्या, जेब बात अंदर जाओ प्लीज, अंदर जाती है तो बहुत ओपी वैल्यू निकाल के दे देगी हम लोग क्वीन, कम ऑन क्वीन, क्वीन की एबिलिटी कम ऑन प्लीज डाल देंगे एक एनिमी क्वीन और ईगल के ऊपर। चलो भाई आरसी एकदम ओपी काम कर रही है हमारी, कम ऑन आरसी, ये 2 विजिटर मेरे को चाहिए आरसी, कम ऑन निकाल के दे दो। बैटिंग चालू करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं गाइस, 55 सेकंड ही बच चुके हैं हमारे पास। अरे भाई ये फेल लग रहा है गाइस, मुश्किल है ये। ओ व्हाट अ टाइमिंग गाइस, आरसी हमारी घूम गई विजिट टावर के ऊपर एंड विजिट टावर ने आरसी को टारगेट कर लिया, ये बहुत अच्छी बात हुई यहाँ पे। चलो भाई आखिरी वाला विजिट टावर यहाँ पे बच चुका है और ये आखिरी फ्रीज जाएगा विजिट टावर पे और क्लीन अप के लिए पीछे से ट्रुप्स आ जाएंगे हमारे सारे के सारे। ओ भाई साहब क्या ये हो पाएगा, होना तो चाहिए क्योंकि जल्दी जल्दी अटैक तो हम लोगों ने कर दिया था लास्ट के 1 मिनट के अंदर। हाँ गया गाइस ये तो खत्म है रे, अभी भी मतलब 13-12 सेकंड्स बच चुके थे, 12 सेकंड बचा के हमने 3-star कर दिया, 55 सेकंड जब बचे थे तब हम लोगों ने बैटिंग चालू करी थी। तो ये हो गया गाइस हमारा 3-star अटैक। ओके गाइस देखते हैं टोटल स्कोर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, अभी भी 5 अटैक्स हमारे बच चुके हैं और पहले 3 में 3 हमारे ट्रिपल लग चुके हैं, चलेंगे अभी एक और अटैक के लिए। ओके सेंट्रल टाउन हॉल ईगल भी इधर ही रखा है, भाई ये तो फुल फायदा फुल, भाई इस बंदे ने तो पूरा खोल के रखा है भाई हमारे सामने, हमारे सामने कोई खोल के रखेगा और हम लोग मार ना ले उसकी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो अभी एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग हमारे बुड्ढे को इधर से फनल बनाने के लिए यूज़ करेंगे, लगता है सीसी के अंदर कुछ है नहीं गाइस, ये बंदा बिना सीसी के लेजेंड लीग में आया कैसे मेरे को समझ नहीं आया, अगर कुछ होता तो भी क्या ही उखाड़ लेता। चलो भाई बुड्ढे का इतना काम है, यहाँ पे थोड़ा सा फनल बना लेना है, यहाँ पे एक बलून एक बेबी ड्रैगन जिससे कि ये बेबी ड्रैगन फनल बना ले,
चलो भाई ठीक है, बेबी ड्रैगन ने ठीक ठाक फनल बना लिया है, पर पूरा प्रॉपर फनल बना नहीं है गाइस, इसी बात का मेरे को एक खेद है और कुछ नहीं। और क्या करेंगे, ये बेस इतना मतलब नूबड़ा बेस है, सीसी के अंदर भी कुछ है नहीं, तो मेरे हिसाब से इस बेस को आराम से हम लोगों को फोड़ देना चाहिए बिना ज़्यादा टेंशन लिए। पहले रे जान दो इधर, ओके। अरे यार लो भाई भटक गए ना हमारे ट्रूप्स, आधे तो बाहर ही निकल चुके हैं, बुड्ढा भी किंग को फॉलो कर रहा है। तो अर्ली वार्डन की एबिलिटी दे दी ताकि ये हमारा जो लॉग लॉन्चर है इसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। सिंगल को धर लिया, क्वीन को धर लिया भाई सिंगल, कोई ना वापस यहाँ पे एक रेज आएगा। चलो भाई हमारा बड़ा वाला गोलम जा चुका है सेंटर में, तो फूट गया, टाउन हॉल भी लेके डूब गया। क्वीन हमारी है सेंटर में अभी भी, एकदम ओपी काम कर रही है। पॉइजन आएगा एनिमी क्वीन के ऊपर क्योंकि सीसी के अंदर कुछ था नहीं, ओके। चलो ये ठीक जा रहा है भाई, मेरे को तो लग रहा है क्वीन निकाल लेगी इधर से पूरा बेस क्योंकि सारे की सारे हीलर कॉन्सेंट्रेटेड क्वीन के ऊपर। लेकिन आरसी को डालना पड़ा गाइस हम लोगों को पीछे से बैकअप के लिए, क्योंकि यार रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि यार मैंने पिछले दो तीन दिनों में ना ये ऐसे ही रिस्क लेके थ्री स्टार वाले अटैक्स को मैंने टू स्टार में कन्वर्ट किया है भाई, क्या ही बोलूँ आप लोगों को। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पे। वैसे ख़त्म तो हो गया ये बेस, ज़्यादा कुछ बचा है नहीं गाइस बेस के अंदर। ओ भाई साहब बारबेरियन किंग है यहाँ पे एनिमी का, गोलम किंग हमारी आरसी को खा गया भाई, बस हमारी क्वीन मार रही है। काम करेंगे हम लोग, बैटिंग चालू कर देंगे यहीं से। फ्रीज आएगा पहला, ओके क्वीन की एबिलिटी और तुरंत एक फ्रीज। ओ भाई मेरे को लगा बैट्स मरेंगे पर मरे नहीं, थैंक गॉड। ओ टोर्नेडो भी निकल चुका है यहाँ पे, ओके अभी भी हमारे पास एक फ्रीज स्पेल बच चुका है, मतलब इसका कोई यूज़ है नहीं अभी, ये तो स्वैगी होगा। लो भाई ये तो हो गया गाइस हमारा एक और थ्री स्टार, क्योंकि इसके सीसी के अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, वैसे भी होता तो भी कैश उखाड़ लेता गाइस, ये आर्मी ना एकदम डेंजर आर्मी है गाइस। ये भी हो गया गाइस हमारा वापस एक और थ्री स्टार अटैक। लो भाई साहब पांच ही बैट स्पेल्स मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे इस आर्मी के अंदर। चलो भाई टोटल हमारा स्कोर क्या हो चुका है, चार अटैक्स अभी भी बच चुके हैं हमारे, और ये हो चुके हैं गाइस हमारे चार में 160, चार में चार ट्रिपल। अभी एक और अटैक के लिए चलेंगे। ओ ये गाइस लेट्स गो, चलते अभी अटैक के लिए, देखते कैसा बेस मिलता है। ये बेस ना गाइस सच्ची बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग तो खाया इस बेस ने मेरे पिछले कुछ दिनों में, पर मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि हमारी आर्मी ही ऐसी है कि भाई साहब कोई बेस बिल्डर सोच भी नहीं सकता कि इस आर्मी के अगेंस्ट डिफेंड करने वाला बेस बनाए तो कैसे बनाए। हम लोगों को भी ना एक कोई अलग ही एंगल ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग चालू करेंगे हमारे बुड्ढे के साथ फनल बनाना इधर से, डायगोनल शेप में हम लोग घुसेंगे, ठीक है। चलो भाई फिर फनल बना लेगा हमारा बेबी ड्रैगन। भाई अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल वॉल ब्रेकर लेके आता ना भाई हमारा सीन हो जाता, अच्छा हुआ मैं यहाँ पे सुपर वॉल ब्रेकर्स बना लिया और लेके आ गया जल्दी जल्दी। चलो भाई सुपर वॉल ब्रेकर थोड़ा सेफ रहता है भाई नॉर्मल वॉल ब्रेकर से। चलो भाई हो गया फनल, इतना ही फनल बनाना था भाई हम लोगों को। होपफुली इधर से ना सारे ट्रुप्स हमारे अंदर चले जाए, बस मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। बस हमारे अगर ट्रुप्स भटक जाते हैं ना गाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है हमारे साथ, वन स्टार भी हो सकता है ये वाला अटैक। तो सही तो जा रहा है, चलो वॉल वगैरह फूट चुकी है, होपफुली इस साइड पे आ जाए हमारे ट्रुप्स। ओ भाई 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 किंग भटक चुका है, चलो क्वीन आ चुकी है अच्छी बात है। अरे सुपर आर्चर्स भी आ चुके, क्या बात है गाइस क्या बात है। हिलर्स भी हमारी क्वीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत उम्दा गाइस बहुत उम्दा। अरे लॉग लॉन्चर के वो लॉग ने उड़ा दिए हेड हंटर को, क्या बात है। लावा फट गया, पॉइजन आन दो यहाँ पे, ओके। चलो चलो भाई साहब इधर से हमको टाउन हॉल भी तो निकालना है, ऊपर से आरसी डालेंगे बैकअप के लिए। रेज आने दो यहाँ पे क्योंकि हिलर्स रेज में रहनी चाहिए। चलो वॉल्स वगैरह यहाँ की फूट चुकी है, होपफुली ये हमारे क्वीन इधर आके टाउन हॉल निकाल ले। अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, डैमेज थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है लेकिन हिलर्स थैंक गॉड रेज के अंदर है और कंटिन्यूअसली हिल कर रही है गाइज। चलो भाई ठीक है, आरसी ने भी अपना फर्ज अदा कर दिया यहाँ पे, ओके। चलो चलो वेट करेंगे थोड़ा यहाँ पे, अभी बैटिंग नहीं करेंगे, आरसी एबिलिटी देंगे पहले तो हम लोग। यहाँ पे जाएगी आरसी एबिलिटी,
जे बात, अब यहां से बैटिंग और यहां पे फ्रीज आएगा मल्टी पे, पीछे क्लीन अप के लिए मिनियंस वगैरह आ जाएंगे, वापिस एक फ्रीज, ओके, और ये आखिरी वाला फ्रीज। ओ भाई लो भाई गया, खत्म है गाइस ये बेस। भाई साहब इस बेस ने तो जान निकाल दी यार मेरी, ये थोड़ा मुश्किल था वैसे इस आर्मी के लिए अटैक करना, थोड़ा मुश्किल बेस था वैसे ये वाला, पर ठीक है निकाल लिया हम लोगों ने। तो गाइस ये भी हो चुका हमारा 3-star अटैक लगातार हम लोगों ने। ओ भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे एयर स्केलेटन्स और रेड बम लग गए हमारे मिनियंस को, सॉरी मिनियंस बोल रहा हूँ हमारे बैट्स को। लेकिन भाई क्या टाइम रहते हमारे बैट्स निकाल पाएंगे ये गोल्ड स्टोरेज, कम ऑन। ओ भाई अरे बाप रे, 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड। ओ भाई साहब टाइम रहते हो गया भाई, लास्ट सेकंड पे अटैक जाके ट्रिपल निकला है। तो ये भी हो चुका है गाइज हमारा 3-star अटैक, एंड इसी के साथ गाइज हम लोगों ने कर लिए है यहाँ पे 5 में 5 ट्रिपल, सारे के सारे ट्रिपल लग चुके हैं। तो गाइज ये है आज की हमारी सुपर आर्चर वाली आर्मी। तो बस यार आपके फेवरेट आर्मी कौन सी आप लोग कमेंट करके बताओ, एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।